अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज जो प्रोडक्ट हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो स्टूल के अंदर लेदर पोशिश वाली चेयर होती है, जो सिंथेटिक लेदर जिसको लगाया गया होता है। और ये स्टूल की कैटेगरी के अंदर एक कंप्लीट चेयर होती है। जितनी भी हमारे पास टूल्स के मॉडल हैं उन मॉडल्स में सबसे विड्थ वाला मॉडल, सबसे खुला डुला मॉडल, और इसके बाजू भी बकायदा चेयर शेप के होते हैं, और इसकी हाइट और इसकी साइजिंग चेयर के हिसाब के से बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है। इसी वजह से इसको आप स्टूल कह लें या कटिंग चेयर कह लें सिंपली तो बिल्कुल मुनासिब रहेगा। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके डिज़ाइन की बात आए तो ये डिज़ाइन स्टूल्स में जितने भी मॉडल्स हैं पोशिश वाले, यानी के लेदर वाले, क्योंकि लेदर के बगैर वो जो होते हैं फाइबर वाले मॉडल ज़्यादा पहले वही पसंद किए जाते थे, बार स्टूल जिनको कहा जाता है। अब जब से लेदर पोशिश वाले और लेदर सीटिंग के लिए जो मॉडल बने हैं उसमें अंदर सबसे ब्यूटीफुल और सबसे कंफर्टेबल मॉडल है ये, जिसके आर्म्स अलग-अलग से साथ फिट किए जाते हैं। और आर्म्स इसके अलग-अलग से फिट किए जाने की वजह से इसकी साइजिंग जो है आर्म्स की एक कंफर्टेबल हो के एक बकायदा चेयर की, जो बड़ी चेयर है उसकी कंफर्ट देती है, जिसकी वजह से आप इसको मल्टीपर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप इसे अपने शोरूम पे खुद बैठने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और पार्लर और सलून में आप इसे कटिंग चेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना सिर्फ अडल्ट्स के लिए, बड़ों के लिए, बल्कि बच्चों के लिए तो आप कर ही सकते हैं। तो गाइस इसकी जो साइजिंग है वो अडल्ट्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर इसकी पोशिश की बात की जाए तो इसके डिज़ाइनिंग में आपको ये बटन वाला डिज़ाइन मिल जाता है, जो बैक और सिटिंग में सेम डिज़ाइन आता है, और इसके बाजू फोमिंग वाले बाजू हैं जिसके अंदर स्टील एंड स्टील लगाया गया है, जिसकी वजह से टूटते और बेंड होने का ख़तरा नहीं होता इनका। और इसके बाजुओं पे ज़िप करके इसको बंद किया गया है, जो आप ज़िप खोल के आप देख सकते हैं कि इसकी वॉशिंग के लिए इजीली आप इसे ओपन करके वॉश कर सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आप इसकी बेस देख रही हैं, इसकी बेस आम चेयर के हिसाब से, आम स्टूल वाली चेयर के हिसाब से थोड़े साइज़ में बड़ी है। आम चेयर के स्टूल के हिसाब से बेस इतनी आती है, पहले इसकी कम से कम साइज़ में और विड्थ में उससे अच्छी खासी फ़र्क है, जिसकी वजह से इसका कंफर्ट लेवल जब अडल्ट बैठते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो गाइस ये फुट रेस्ट इसके साथ आपको मिल जाता है, इजीली आप इसे बैठ के फुट रेस्ट कर सकते हैं। और ये इसका गियर होता है नीचे, जो पुश करने से चेयर अपनी हाइट से ऊपर आ जाएगी, जो भी आपको हम चेक कराते हैं। आप देख सकते हैं कि अपनी हाइट से वो कितनी ऊपर आ चुकी है कि रेगुलर जो कटिंग चेयर का स्टैंडर्ड है उससे भी कम से कम आधा फुट ऊपर आ चुकी है। तो गाइस इसकी इतनी हाइट आपको इसी यूज़ में आ सकती है कि आप इसे इतनी हाइट पे करके बच्चों की कटिंग के लिए उनको आप इजीली इस पर बिठाएं और बच्चों की कटिंग करें। और इसको ज़रूरी नहीं कि आप फुल हाइट पे कर ले जाएं और आप यूज़ करें इसे, आप हाफ़ हाइट पे भी रख सकते हैं, लेकिन इसको अब नीचे करने के लिए आपको कस्टमर का इस पर बैठना ज़रूरी है। ये किसी के बैठे बगैर, इतने वज़न के बगैर नीचे नहीं जा सकती जब तक कोई बैठता नहीं है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये भाई इस पर बैठे हैं और कंफर्टेबल हैं बिल्कुल। और इस तरह आपका सिटिंग के लिए फुट रेस्ट आ जाता है इसके साथ, तो अडल्ट की सिटिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इसी हवाले से ये चेयर है। और ये 360 व्यू में रिवॉल्व हो सकती है, घूम सकती है, आप देख सकते हैं इसकी स्मूथनेस।
यानी कि 360 व्यू में आप इसे इजीली डिवॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये पार्लर्स और सलून पे बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और इसी वजह से ये मॉडल हम रिपीट करते हैं। इसी वजह से आज हम आपको इसकी वीडियो शेयर कर रहे हैं और क्योंकि इसकी पीछे से हाफ बैक होती है, इसलिए पार्लर्स में खसूसी तौर पर कटिंग के लिए जब हेयर आते हैं तो आप ईज़िली आप कटिंग में इसको यूज़ करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी साइजिंग जो है, हैवी से हैवी कस्टमर इजीली इस पर आराम से सिटिंग हो सकता है। इसकी साइजिंग बड़ी चेयर जितनी, जो आम बड़ी चेयर कटिंग होती है, सेम उसी साइजिंग में ये स्टूल चेयर आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये स्टूल चेयर होने के बावजूद इसकी साइजिंग बड़ी कटिंग चेयर जैसी है। और अगर कम्फर्ट की बात की जाए तो लेदर पोशिश के साथ फोमिंग जो ऊपर नीचे दोनों साइड्स पे हो चुकी है वो बिल्कुल आपको थकने नहीं देती और बिल्कुल आप कंफर्ट रहते हैं इसके ऊपर। और अब हम इसको नीचे करते हैं, जैसा इसको नीचे से इसका हाइड्रॉलिक बटन प्रेस किया जाएगा तो आप इसे सबसे नीचे अपनी पोजीशन पे ला सकते हैं। जो रेगुलर हाइट में चेयर आ जाती है तो अपनी पोजीशन के ऊपर वो सेम उसी पोजीशन में आ जाएगी जैसे स्टैंडर्ड पोजीशन है, जैसे आप काउंटर सीटिंग के लिए चेयर रखते हैं किसी भी जगह पे या ऑफिस में जब आप यूज़ करते हैं तो ऑफिस सीटिंग के स्टैंडर्ड के हिसाब से इसकी साइजिंग में आप इसे दोबारा ले आ सकते हैं। और अगर आप इसे हाइट एडजस्ट करना चाहें तो जैसा कि आपको बताया है कि इसका जो नीचे ये गियर लीवर है, ज़रूरी नहीं आप इसे फुल हाइट पर ले जाएँ, आप इसे जितना भी अपने हिसाब से रखना चाहिए आप रख सकते हैं, फुल, हाफ, मीडियम। सिर्फ वन प्रेस के साथ ही आप इसका हाइड्रॉलिक जब प्रेस करते हैं तो अपनी हाइड्रॉलिक प्रेसिंग की वजह से हाइट इंक्रीज करके आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी हाइट एडजस्ट हो सकती है। जैसा कि इसके साथ ही इसका दूसरा स्टूल पड़ा है उसकी हाइट आप देख सकते हैं और इसकी हाइट देख सकते हैं, दोनों में वादिया फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। तो गाइस, इस बेहतरीन प्रोडक्ट और बेहतरीन स्टूल चेयर के लिए, लेदर स्टूल चेयर के लिए आप हमें पूरे पाकिस्तान से डिलीवरी मंगवा सकते हैं, फ्री होम डिलीवरी, और इसके साथ साथ कैश ऑन डिलीवरी की भी सहूलत मौजूद है। अब से हमने आप लोगों की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ओपन किया है जो माशाल्लाह बहुत ही कामयाब जा रहा है। आपका हम पे इत्माद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपनी प्रोडक्ट इसी तरह से आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचते रहेंगे और कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अब आपको पहले पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं, आप कैश ऑन डिलीवरी पे आप प्रोडक्ट को मंगवाएं और उसको प्रोडक्ट रिसीव आपको मिलने के बाद आप पेमेंट करें, ये आपके लिए भी आसानी है और एक इत्माद की फ़ज़ा बने रहने के लिए आजकल जो जालसाजी का दौर है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जालसाजी के दौर में आप किसी को भी पहले पैसे ना भेजें, आप चीज़ मिलने पे पैसे अदा करें। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू प्रोडक्ट आप तक टाइमली पहुंच सके। नेक्स्ट प्रोडक्ट और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।